प्रिय विद्यार्थियों, आर सी आई एच एफ बानसल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में अध्ययन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 के बारे में। हमारा पहला अंकी प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु में संक्रमण n बराबर 4 से n बराबर 2 में के संगत होता है। किसी धातु का कार्य फलन 1 जो है 9 ईवी है, तो उत्सर्जित फोटोन की अधिकतम गतिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। तो जो हमें यहाँ फोटोन की अधिकतम गतिज ऊर्जा यहाँ हमें ज्ञात करनी है, जो कैसे ज्ञात करेंगे? क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु में संक्रमण हो रहा है, कैसे हो रहा है भाई? n बराबर 4 से n बराबर 2 के बीच में हो रहा है और हमें कार्य फलन का मान दिया है। तो भाई हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें दिया है कार्य फलन का मान, हाई नोट को हमें दिया है 1.9 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है भाई। और हमें फोटोन की अधिकतम जो ऊर्जा है, हमें फोटोन की गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा के मैक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमें बता दें कि यहाँ परमाणु में जो संक्रमण हो रहा है वो n बराबर 4 से n बराबर 2 में हो रहा है। तो अपन जानते हैं कि ऊर्जा है, फोटोनों की ऊर्जा h न्यू इक्वल होता है EN2 - EN1। पर यहाँ हमारा जो परमाणु है, जो कि मूल अवस्था में अगर है, तो उस अवस्था में क्या क्या हो जाएगा? एच न्यू बराबर हो जाएगा E1/N2 का स्क्वायर और E1/N1 का स्क्वायर, ठीक है? क्योंकि यहाँ परमाणु अगर मूल अवस्था में है, तो आप देखो यहाँ पे हमें N2 और हमें N1 का मान दिया है, हमें N1 का मान दिया है 2 और हमें N2 का जो मान है वो हमें दिया है भाई 4। हमें दोनों मान रख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एच न्यू बराबर E1 कॉमन ले लो तो -1/N2 का स्क्वायर और -1/N1 का स्क्वायर भाई। एच न्यू बराबर E1 × तो 1/4^16 और 2^4। देखिए हम 16^4 लेस लेंगे, लघुत्तम लेंगे, दिया जाएगा एच न्यू बराबर E1 और 16 इसका लघुत्तम आ गया भाई यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 - 4, ठीक है भाई? ये आ जाएगा एच न्यू बराबर E1 × -3/16। अपन जानते हैं कि जो E1 का जो मान होता है, जो कि E1 का मान होता है -13.6 मूल अवस्था में, ऊर्जा का मान ये होता है -13.6 भाई। यहाँ पे E1 का मान रख देंगे अपन, ये एच न्यू बराबर आ जाएगा -13.6 × -3/16 भाई, ठीक है भाई? अब यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे, इस भाग लगा, तो यहाँ पे एच न्यू का जो मान है 2.55 ईवी हमें प्राप्त होगा। तो हमने एच न्यू का मान प्राप्त कर लिया, पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें तो फोटोनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पे क्या होगा, तो हमें इसमें ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो हम लगाएंगे यह फॉर्मूला, अपने चैप्टर जो है 13 में हमने अध्ययन किया था प्रकाश धारा समीकरण का, हम उसकी सहायता से इसको हल करेंगे। देखो आगे किस तरह से हम इसका मान ज्ञात करते हैं, तो अपन जानते हैं, प्रकाश विद्युत समीकरण से भाई। तो ये जो समीकरण होता है, हमने चैप्टर 13 में अध्ययन किया था इसका, ये होता है 1/2 mv² बराबर एच न्यू माइनस से फाई नोट होता है भाई, फाई नोट। यहाँ जो फाई नोट है वो कार्य फलन है, एच न्यू फोटोन की आवृत्ति है। देखो हमारे पास में दोनों मान है भाई, हमारे पास में एच न्यू का जो मान निकाला भी, तो जो कि 2.55 ev प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पे जो फाइनोट है उसका मान हमें दिया हुआ है 1.9 ev है,
हम दोनों के मान यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा 1/2 एम बी स्क्वायर इज इक्वल एच न्यू का मान रखो भाई 2.55 ईवी है और जो फाइनोट है भाई इसका मान 1.9 ईवी है। ठीक है भाई, हम जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका मान आ जाएगा जो ऊर्जा है यानी कि हम इसको के मैक्स भी लिख सकते हैं, इसका मान के मैक्स बात हुई है ये आ जाएगा 0.65 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा भाई। तो ये हमने पहले क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर लिया, जो ऊर्जा इसकी प्राप्त होती है यानी फोटोनों की गतिज ऊर्जा का जो मान है वो प्राप्त होता है 0.65 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने इस तरह से पहला जो क्वेश्चन है उसका हमने आंसर प्राप्त कर लिया। अब इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। देखो इसमें क्या है कि हाइड्रोजन का एक भाग किसी उत्तेजित अवस्था में है, किसी अवस्था ए में है, इस भाग द्वारा 2.55 ईवी के फोटोनों का यहाँ पे अवशोषण होता है, वो आगे किसी अन्य अवस्था बी में पहुंचता है, तो हमें अवस्थाएं ए और बी के लिए हमें यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या जो है वो ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, अगर हमें कहीं पर भी मुख्य क्वांटम संख्याएं ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 1/(n1)² माइनस 1/(n2)² बराबर होता है फोटोनों द्वारा अवशोषित ऊष्मा। ठीक है, फोटोनों द्वारा अवशोषित ऊष्मा और बटे में आ जाएगा E1। भाई ये फॉर्मूला होता है, अगर हमें कहीं पर भी अगर हमें क्वांटम संख्या ज्ञात करनी हो तो इस तरह से ज्ञात करेंगे, फोटोनों द्वारा अवशोषित ऊष्मा बटा E1। अब यहाँ पे हमें ऊर्जा का मान दे रखा, हमें क्वेश्चन में इस ऊष्मा का मान दिया हुआ है, हमें ये जो ऊष्मा है फोटोनों की जो ऊर्जा है जो ऊष्मा का मान हमें दिया हुआ है इसका मान है 2.55। तो फोटोनों की जो ऊष्मा है ये जो ऊर्जा इसका मान दिया है 2.55 ईवी। ठीक है भाई, और अपन मान ईवन का जानते हैं भाई, अपन ईवन का जो मान यहाँ पे अपन रखेंगे ईवन का मान तो 1/(n1)² ठीक है भाई माइनस 1/(n2)² इज इक्वल या इसका मान रख दो 2.55/(13.6। इसको हम सोल्व करेंगे भाई 1/(n1)² माइनस 1/(n2)² भाई ये मान आ जाएगा 0.1875। ये मान इसको आ जाएगा सोल्व करने पर 0.1875। ठीक है भाई, ये मान यहाँ प्राप्त हो जाएगा। अब देखो आगे भाई, अब हमें क्वांटम संख्या ज्ञात करनी है, हमें एनवेंट का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ देखो क्या करना पड़ेगा हमें, अब यहाँ पे n1 n2 का मान रखना होगा और जिन जिन कक्षाओं के लिए इसका मान इसके बराबर हो जाएगा वही कक्षा है उसकी क्वांटम संख्या कहलाएंगे। कैसे, तो हमें तो यहाँ से ये मान हमें जो है प्राप्त करना, जो कैसे हम यहाँ पे n1 n2 का मान हम रखेंगे ताकि इसका मान के बराबर हो जाए। तो देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे n1 का मान अगर 1 रखें माना, अगर हम n2 का मान यहाँ पे मान अगर 2 रखें, देखो तो 1 का वर्ग 1 और यहाँ पे हो जाएगा इसका वर्ग 4, 0.1875 इसका लेसन ले 4 और 4 - 1 = 3/4 बराबर 0.1875। अगर हम 3 में 4 को भाग लगाएं कितना आएगा भाई 0.4 यानी कि 7, ठीक है 5 मान लो 0.1875। तो ये मान इसके बराबर नहीं है यानी n बराबर 1 और 2 इसकी मुख्य क्वांटम संख्या नहीं हो सकती। आगे देखो हम इसका मान चेंज करेंगे आगे, फिर अब अगर हम यहाँ पे माना अगर हम इसका मान अगर हम n का मान अगर हम a 2 रखते हैं, अगर हम n2 का मान रखते हैं 4, अगर हम इसका मान 2 और 4 रखते हैं, देखिए यहाँ पे इसको मान सोल्व करेंगे, इसका मान 2 रखो यहाँ पे तो 1/2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 और 1/4 वर्ग क्या हो जाएगा भाई 16 बराबर 0.1875।
ठीक है भाई। अब याद रखो हम चारों सोलह लेंगे लघुतम, लेस लेंगे हम यहाँ पे, तो लेस ऐसा सोलह आ जाएगा, चार भाग लगाओ चार भाग जाएगा, चार माइनस एक बराबर 0.1875, ठीक है भाई। तो यहाँ उसका चार में क्या तीन, तीन बटे सोलह बराबर 0.1875। अब देखो आगे, तो अगर हम तीन में, अगर हम तीन में भाग लगाएंगे सोलह का, तो आपको बिल्कुल 0.18 और 75 ही प्राप्त होगा। तो भाई ये मान बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं कि हमने जब n1 का मान दो रखा और हमने जब n2 का मान चार रखा, तब जाकर हमारे दोनों मान प्राप्त हो गए, दोनों मान बराबर आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये n1 यानी दो और चार इसकी मुख्य क्वांटम संख्या प्राप्त होंगी या होंगी। हमने इस तरह से इसका अध्ययन किया है, हमने दोनों क्वेश्चन सोल्व किए, दोनों का आंसर प्राप्त किया। अब हम इसके बाद में अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन जो हम अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।